दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे शॉमी का मी टीवी स्टिक का, क्योंकि भाई शॉमी का जो मी टीवी स्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है एंड्रॉयड मार्केट के अंदर। यानी कि एंड्रॉयड टीवी स्टिक अगर आप सर्च करते हो या फिर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स सर्च करते हो तो शॉमी का जो मी टीवी स्टिक है ना वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टीवी स्टिक डिवाइस है, जो काफ़ी लोग अभी भी सर्च करते हैं परचेस करने के लिए। यानी काफ़ी लोग यहाँ पे उनके पास जो है नॉन स्मार्ट टीवी है तो वो अपने टीवी को यहाँ पे स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग यही पूछते रहते क्या हम लोग यहाँ पे शॉमी का जो टीवी स्टिक है वो परचेस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो अमेजोन के सेल के अंदर ना ये जो स्टिक है आपको 1200 मतलब रिफर्बिश में, अगर आप एकदम न्यू ब्रांड न्यू लेना चाहते हो तो 2000 के ऊपर आपको मिल जाता देखने के लिए। तो काफ़ी लोग इसी बारे में इसके क्वेश्चंस कर रहे थे कि भाई लेना चाहें कि नहीं 2024 के अंदर, और लॉन्च हुए इसके 4 साल हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जितने भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले रिव्यू में बात करें भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसको मैंने काफ़ी बार यहाँ पे नीचे गिरा दिया जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी भाई ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। देखो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी से हमें उतना ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है भाई इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा दिखाता है। यानी कि जैसे आप अपने टीवी के अंदर इसको लगाते हो तो इसके अंदर सपोर्ट करता है भाई 1080p एट 60fps वीडियो, 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आपके पास यहाँ पे 1080p वाला टीवी यानी कि फुल HD वाला टीवी है तो उसके साथ भाई काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि 4K तो सपोर्ट नहीं करता लेकिन 1080p एट 60fps वीडियो यहाँ पे सपोर्ट करता है, साथ में HDR वीडियोस को भी सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो सिर्फ फुल HD के अंदर ही सपोर्ट करता है लेकिन सपोर्ट करता है। बाकी बात करें भाई इसका एंड्रॉयड टीवी UI की, यानी कि एंड्रॉयड टीवी इसका कैसे चलता है, लैग वैग है कि नहीं, तो सबसे पहले बता रहे भाई इसका एंड्रॉयड टीवी का इंटरफेस भाई काफ़ी सिंपल सा है, मतलब जैसे कि आपको नॉर्मल एंड्रॉयड टीवी गूगल टीवी में देखने को मिलता है वही इंटरफेस है, और ये काफ़ी स्मूथ भी है। हालांकि इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा लैग्स देखने के लिए मिलते रहते हैं, जैसे कि अगर आप टीवी को काफ़ी दिनों से ऑन नहीं किए फिर ऑन करते हो इस डिवाइस को तो यहाँ पे लैग करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट से जब कनेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ ये प्रोसेस करता रहता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लैग करता है, और एप्लीकेशन ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम भी थोड़ा बहुत लैग कर देता है। यानी कि इसको अगर आप बहुत कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा देर तक आप इसको यूज़ करते हो तो उसकी वजह से होता है कि ज़्यादा हीट हो जाता है, मतलब हीटिंग में सबसे ज़्यादा इसका मतलब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका हीटिंग ही प्रॉब्लम है मेन, मतलब ये इतना हीट करता है कि भाई आप पूछो ही मत, आप इसको छू भी नहीं पाओगे इतना हीट मार देता है ये। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई आपको एक छोटा सा CPU फैन परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना CPU फैन परचेस के इस समर में तो भाई आप चला नहीं सकते, मतलब काफ़ी मुश्किल है इसको चलाना, वरना काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। हीट होने के बाद मैंने एक दिक्कत देखी कि भाई इसका जो HDMI का आपको पोर्ट देखने को मिलता है, जो पिन देखने को मिलता है, उसके अंदर की प्लास्टिक पिघल गई। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पे, अगर कैमरा में दिख जाता तो आप देख लो, यहाँ पे इसको जो प्लास्टिक के जो पिन है, पिन जो रहता है जहाँ पे HDMI का पिन, वहाँ का जो प्लास्टिक है थोड़ा बहुत यहाँ पे पिघल चुका है। अभी हम लोग इसको बात करेंगे भाई रिमोट का, क्योंकि भाई रिमोट एक मेन चीज़ होती है किसी भी एंड्रॉयड टीवी स्टिक का, जिसके रिमोट का भाई काफ़ी सिंपल सा रिमोट है, दिखने में भाई काफ़ी तगड़ा दिखता है, आप स्क्रीन पे देखते चलो। यहाँ पे इसका रिमोट भाई काफ़ी तगड़ा है, रिमोट के अंदर आपको सबसे पहले पावर बटन देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है, मतलब गूगल असिस्टेंट सपोर्ट करता है ये, उसके बाद का आपका यहाँ पे ये जो चैनल अप डाउन वाला बटन ये सब आपको देखने को मिल जाता है, फिर वॉल्यूम अप और नीचे वाला बटन भी देखने को मिलता है, और साथ में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का अलग से बटन देखने के मिलता है। ये रिमोट भाई ब्लूटूथ रिमोट है, तो भाई कहीं से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी बात इस रिमोट का। बाकी ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो भाई इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है हीटिंग की। हीटिंग काफी ज्यादा करता है, अगर आप हीटिंग को कैसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो तो भाई काफी बढ़िया चलता है। और भाई इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, काफी लोग का डाउट था कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते कि नहीं, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि एक एंड्रॉयड टीवी है, इसके अंदर मिलता है एंड्रॉयड टीवी 9 वर्जन, हालांकि वर्जन थोड़ा पुराना है, अपडेट मिलना था बट अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला, तो एंड्रॉइड टीवी 9 है ये, आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो ये सब थी जो मैंने बता दिया सब कुछ आपको प्रॉब्लम के साथ साथ क्या क्या अच्छी बातें इसके, भाई काफी बढ़िया है ये, आप इसको परचेस कर सकते हो। और यही थी वीडियो आज की, आई होप आपको पसंद आया होगा, और भी कुछ डाउट हो इस टीवी स्टिक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।